त्रिपुरा आसाम पुलिसेर सफल अभियान निर्दिष्ट मामलार भित्तिते अभियाने नेमे आटक करलो रोहिंगा पाचारकारी एक व्यक्ति सह एक बांग्लादेशी युवक। त्रिपुरा पश्चिम जिलार मोहनपुर बोयालियापाड़ाय अभियाने नेमे शनिवार भोरे आसामेर पुलिस रोहिंगा पाचार चक्रेर एक अभियुक्तके आटक करेछे। तार घर थेके एक बांग्लादेशी युवककेओ आटक करे पुलिस। धृतदेर नाम काजल सरकार एबं विष्णुचंद्र मंडल। जाना गेछे काजल सरकारेर बिरुद्धे रोहिंगा पाचारेर अभियोग रयेछे। तार घर थेके बांग्लादेशी युवक विष्णुचंद्र मंडलकेओ आटक करेछे पुलिस। तार पाशापाशि 9টি आधार দুটি প্যান কার্ড সহ বেশ কিছু বাংলাদেশী নথিপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাওয়া যায় বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রাও। এনি অভিযানের নেতৃত্বে থাকা আসাম পুলিশের এক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিস্তারিত জানিয়েছেন। हमारा असम में केस रजिस्टर हो रहा है एसटीएफ में, तो जिसकी तरफ यहाँ से जो कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आया था और इंक्वायरी में मिला कि ये आदमी इन्वॉल्व है उसमें, काजल सरकार इन्वॉल्व है। और उसके घर में हमको दो फोन, उसके बाद 9 आधार कार्ड मिला है, 2 पैन कार्ड मिला है और बांग्लादेश का कुछ डॉक्यूमेंट मिला है। अच्छा, बांग्लादेश का कोई आदमी मिला है यहाँ पे? हाँ, एक मिला है, बाकी वो लोकल पुलिस उसको देखेंगे, उसका क्या है, वेयर अबाउट्स क्या है वो देखेंगे। हम इसका भी इसका ही जिम्मे। सर इसका नाम क्या बोला? काजल सरकार। सर आपका नाम? मेरा नाम बिटुल सचिया, मैं एडिशनल एसपी आसाम। সংবাদ এই পর্যন্তই। ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।